नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार जैन, प्रवक्ता जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपको कक्षा 12 के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के अंतर्गत आज का प्रकरण है व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंग, पूछताछ के पत्र, निरख पत्र। आज के अध्याय में हम जानेंगे एक अच्छे व्यापारिक पत्र के अंग, व्यापारिक पत्र का प्रारूप, व्यापारिक पत्र के अंगों का वर्णन, व्यापारिक पत्र के विभिन्न रूप, पूछताछ पत्र और निरख पत्र। इस अध्याय से पहले आपने सीखा हुआ है पत्र व्यवहार का उद्गम एवं विकास, व्यापारिक पत्र का अर्थ, व्यापारिक पत्र के व्यवहार की परिभाषाएँ, पत्रों के प्रकार, व्यापारिक पत्र के कार्य और व्यापारिक पत्र के व्यवहार के उद्देश्य। इस अध्याय में हम व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंगों के बारे में समझेंगे। पहले आपने अध्याय में पढ़ा है कि व्यापारिक पत्र के व्यवहार का क्या अर्थ है, कि व्यापारिक पत्र किन्हीं दो व्यापारियों के मध्य किसी व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं। जो हमारे व्यापारिक पत्र होते हैं, दो व्यापारियों के बीच में आपस में लिखे जाते हैं। व्यापारिक की सफलता बहुत कुछ व्यापारिक पत्रों पर निर्भर करती है। व्यापारिक पत्र निम्न कार्य के लिए लिखे जाते हैं। नंबर एक, माल के मूल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए, माल भेजने की सूचना देने के लिए, माल खराब होने की शिकायत करने के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए और साख संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए, इन उद्देश्य से हमारे व्यापारिक पत्र लिखे जाते हैं। हमारा व्यापारिक पत्र का प्रारूप, इसका समय पहला पॉइंट है शीर्षक। इसके अंतर्गत व्यवसाय का प्रकार और जो व्यवसाय का मालिक होता है, फर्म होती है, उसका नाम लिखा जाता है। इधर दाई ओर पता कि वह संस्था किस स्थान की है उसका पता लिखा होता है। फिर टेलीफोन नंबर बाई ओर लिखा जाता है, फैक्स नंबर, तार का पता, कोड का नाम। तीसरा पॉइंट हमारा पद या संदर्भ संख्या। नंबर चार, फिर दिनांक लिखते हैं हम दाई ओर कि जिस तारीख को वह पत्र लिखा गया है। पांचवा पॉइंट है पाने वाले का नाम व पता। जिस व्यक्ति को हमने पत्र लिखा है उसका यहाँ पर नाम पहले आता है या फर्म का नाम आता है, उसके बाद उसका पता लिखा जाता है। छठा अभिवादन, यहाँ पर अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। फिर सातवां पॉइंट हमारा विषय शीर्षक है कि इसके अंदर किस शीर्षक के अंतर्गत हमने ये पत्र लिखा है, किस लिए लिखा गया है प्रमुख। फिर आठवां पॉइंट पत्र का प्रमुख भाग है हमारा। इसके तीन भाग होते हैं, प्रारंभिक भाग, वर्णित भाग और अंतिम भाग। नौवा प्रशंसात्मक वाक्य। दसवा है हस्ताक्षर व पद। ग्यारहवा संलग्न पत्र, टाइपिस्ट के संक्षिप्त हस्ताक्षर। तेरहवा पॉइंट है पुनश्चय और चौदह पॉइंट है संक्षिप्त हस्ताक्षर, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। व्यापारिक पत्र के अंगों का वर्णन। एक अच्छे व्यावसायिक पत्र के मुख्य भागों या अंगों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर एक, शीर्षक। शीर्षक में पत्र भेजने वाले का नाम, पता तथा व्यापार का प्रकार आदि पर्याय छपा रहता है। इसमें जो शीर्षक है उसके अंदर हम फर्म का नाम छपा रहता है और फर्म के नाम के बाद जो उसका कार्य है, काम कर रहा है, वह एक छोटे अक्षर में छपा रहता है। पत्र का शीर्षक सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। इसमें फर्म का नाम पर्याय मोटे अक्षरों में लिखा जाता है तथा फर्म जो व्यापार करती है वे छोटे अक्षरों में छपा रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा टेलीफोन संख्या, तार का पता, कोड व फैक्स संख्या। जिन संस्थाओं में टेलीफोन लगे होते हैं वे अपना टेलीफोन नंबर, तार का रजिस्टर्ड पता, तार में संदेश भेजने के लिए उन्होंने जो कोड अपना रखा है उसका नंबर तथा फैक्स नंबर पत्र में ऊपर शीर्षक से नीचे छपवा देते हैं। टेलीफोन नंबर इसलिए छपा रहता है कि जिससे किसी भी व्यापारी को बातचीत करनी है तो वो टेलीफोन नंबर के माध्यम से बात कर सकता है। या तार का पता इसलिए छपवाते हैं कि हम तार के माध्यम से भी अपने पत्र को भेज सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिनांक या तिथि। प्रत्येक पत्र पर पत्र भेजने की तिथि देना आवश्यक है जिससे यह पता लग जाता है कि पत्र किस तारीख को लिखा है। तारीख लिखने की दो पद्धति होती है, एक ब्रिटिश पद्धति होती है जिसे उदाहरण दे रखा है हमने 30 अगस्त
2020, इसमें तारीख पहले लिखते हैं, महीना बाद में और उसके बाद सन लिखते हैं। जबकि दूसरी पद्धति होती है अमेरिकन पद्धति, इस अगस्त 30, 2020, इसमें महीना पहले लिखा जाता है, उसके बाद तारीख और समय लास्ट में सन को हम लिखते हैं। तो हमारी दिनांक लिखने की दो प्रकार की विधि होती है। अगला है संदर्भ संख्या व पत्र संख्या। बाहर जाने वाले सभी पत्रों पर भविष्य के संदर्भ के लिए क्रमांक संख्या दी जाती है। कि क्रमांक संख्या इसलिए दी जाती है जिससे हमें यह पता रहे कि वह कौन से नंबर का हमारा पत्र था। जैसे संदर्भ संख्या है 124/2020, या पत्र संख्या हमने दे रखी है उदाहरण के तौर पर 430/विक्रय/2020। इस प्रकार ये दोनों चीज़ें लिखी जा सकती है, संदर्भ संख्या या पत्र संख्या। इसी के अंतर्गत हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं कि उसमें है पाने वाले का नाम और पता। पत्र में पाने वाले का नाम और पता बाई ओर शीर्षक के नीचे लेकिन अभिवादन के ऊपर लिखा जाता है। पत्र में पता लिखने के दो ढंग प्रचलित है, नंबर एक अंग्रेजी ढंग और दूसरा है अमेरिकन ढंग। अंग्रेजी ढंग के अंतर्गत हम जिस किसी फर्म का हमने पहले नाम लिखा राम एंड सन्स, फिर थोड़े से स्पेस देके फिर उसका एड्रेस लिखा जाता है। जबकि अमेरिकन ढंग के अंतर्गत हम सभी चीज़ों को एक सीध में लिखते हैं कि पहले फर्म का नाम लिख दिया, उसी के ठीक नीचे उसका पता उसी सीध में एक शुरू में लिखा जाता है। अभिवादन, पत्रों की वार्ता आरंभ करने से पूर्व कुछ शिष्टाचार एवं आदर सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे महोदय, आदरणीय, अगर कोई महिला है तो उसके लिए महोदया शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है विशेष शीर्षक, कुछ व्यावसायिक संस्थाएं अभिवादन के बाद संक्षिप्त विषय पत्र के माध्यम मध्य भाग में दे देती है, इसे ही विशेष शीर्षक कहते हैं। जैसे विशेष शीर्षक के अंदर लिखते हैं कि कोई पूछताछ का पत्र है तो पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश पत्र है तो आदेश संबंधी पत्र, कोई पूछताछ के पत्र का उत्तर है तो पूछताछ के पत्र से संबंधित पत्र, शिकायती पत्र है तो शिकायती पत्र आदि शब्द लिख देते हैं जिससे उन्हें फाइलिंग करने में या उन्हें ढूंढने में हमें आसानी रहती है। अगला पॉइंट हमारा पत्र का जो प्रमुख अंग होते हैं उसमें प्रारंभिक अनुच्छेद जो पहला पॉइंट है कि यदि पत्र किसी पत्र के उत्तर में लिखा जा रहा है तो प्रथम वाक्य में पहले के पत्र की संख्या, तिथि, विषय संक्षेप में लिख देना चाहिए कि उससे हमें यह पता रहता है कि वह पत्र हमें किस तारीख को आया था, किस क्या नंबर था उसका, उसका पता होना चाहिए, उसके बारे में लिख देना चाहिए। वास्तव में पत्र का पहला वाक्य अत्यंत सावधानी तथा व्यापारिक ढंग से लिखना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। कहावत प्रसिद्ध है कि यदि प्रारंभ अच्छा है तो आधी सफलता मिली समझिए। अगर हम शुरू में सही लिख देंगे तो हमारी आधी सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। फिर दूसरा है द्वितीय अनुच्छेद, इस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है, यदि संदेश अधिक है तो उसे उचित परिभागों में लिखना चाहिए, एक पत्र में ही अधिक विषय न हो। मतलब जो ये भाग है हमारा बीच का वो मेन है, इसके अंतर्गत हमें वो बात लिखनी चाहिए जो हम पूछ रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ एक विषय के बारे में एक ही पत्र लिखना चाहिए। अगर हमें कई विषय हैं तो उससे संबंध में हमें अलग अलग पत्रों को लिखना चाहिए। तृतीय अनुच्छेद, पत्र का अंतिम अनुच्छेद बहुत ही प्रभावपूर्ण होना चाहिए। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संदेश को संक्षिप्त में दोहराकर प्राप्तकर्ता को कार्य के लिए प्रेरित करना होता है। इसकी भाषा विश्वासजनक, प्रभावशाली तथा प्रेरणात्मक होनी चाहिए। कि जो लास्ट का भाग है हमारा, तीसरा भाग है जो पत्र का अंत में, तो उसमें हमारा इस तरह का होना चाहिए कि जो हमने पत्र पूरा लिखा है उसका संक्षिप्त बात को दोहराते हुए लिखना चाहिए, जिससे उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ सके, और प्रभावशाली होने चाहिए जिससे कोई प्रेरणा भी हमें मिल सके उस पत्र से संबंधित। प्रशंसात्मक वाक्य, जिस तरह जब हम किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत समाप्त हो जाने पर आपस में चलते समय विदा लेते हुए नमस्कार, जय जिनेंद्र आदि शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी तरह पत्र में भी पत्र का विषय समाप्त होने पर शिष्टाचार के नाते कुछ शब्द लिखे जाते हैं जो पत्र लिखने और प्राप्त करने वालों की
आपस में घनिष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हमारा हस्ताक्षर व पद। पद के प्रशंसात्मक अंत के नीचे ही हस्ताक्षर का स्थान होता है। हस्ताक्षर सदैव एक से ही होने चाहिए। उसमें ये नहीं कि जो हमारे हस्ताक्षर है कि हर एक पत्र के लिए अलग अलग हो, एक ही व्यक्ति के एक जैसे हस्ताक्षर पत्र में होने चाहिए, एक जैसे पत्र के लिए। अगर हमने दो पत्र एक जैसे लिख रखे हैं तो उन पर साइन एक जैसे होने चाहिए। अगला है संलग्न पत्र। जब पत्र के साथ कुछ प्रलेख भी भेजे जा रहे हैं तब उनकी संख्या व प्रकृति का उल्लेख भी पत्र में बाई ओर किया जाना चाहिए। अगर पत्र के साथ हम कोई चेक, ड्राफ्ट या और कोई मूल्य सूची वगैरह साथ में भेज रहे हैं तो उसे भी बाई ओर उनका संख्या लिख देनी चाहिए कि हमने क्या चीज़ भेज रही है। अगर चेक भेज रहे हैं तो बैंक का नाम, चेक संख्या, दिनांक और अमाउंट ये लिख देना चाहिए। अगर कोई ड्राफ्ट भेज रहे हैं वो भी इसी प्रकार से लिखना चाहिए। अगर मूल्य सूची है तो मूल्य संलग्न में नंबर एक मूल्य सूची, अगर और कोई है तो वो उनकी संख्या में लिख देनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इनके साथ पत्र के साथ भेजी। टाइपिस्ट के संक्षिप्त हस्ताक्षर। बड़ी संस्थाओं में अधिकारी व पत्र टाइप करने वाले कई व्यक्ति होते हैं। पत्र के बाई ओर दोनों के संक्षिप्त नाम टाइप कर दिए जाते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें टाइप करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, उनके अधिकारी अलग होते हैं, तो लास्ट में हमें उनके दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए संक्षिप्त रूप में। जैसे कोई मनोज चावला है तो उसका हमने संक्षिप्त नाम लिख दिया है मैं चा। फिर जो फिर दूसरा है कि दूसरा व्यक्ति है अंबुज गुप्ता तो उसका ए पहला शब्द और फिर गुप्ता का गु शब्द लिख देते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि किस व्यक्ति ने लिखवाया हुए पत्र कौन अधिकारी था और टाइप करने वाला व्यक्ति कौन था। पुनश्च अगला पॉइंट हमारा, कभी कभी जब पत्र लिख जाने के बाद कोई जरूरी बात लिखने से रह जाती है तो उस पत्र को दोबारा न लिखकर अंत में पुनश्च शब्द लिखकर उसे लिख देते हैं। परंतु पुनश्च शब्द का प्रयोग अधिकांश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं लगता है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो दूसरा देखने वाला व्यक्ति समझता है कि ये ठीक नहीं है कार्य किया ने, तो इसलिए इसका प्रयोग मजबूरी में करना चाहिए, इसका प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। जैसे हमारा कोई सेंट रह गया है तो लिख देते हैं कि आपके खाते के अनुसार, पुनिश्चित शब्द लिखकर इसमें लिखते हैं कि आपके खाते के अनुसार 2500 रुपये आपकी तरफ निकलते हैं तो उनका सिर्फ भुगतान करने का कष्ट करें, इस प्रकार का वाक्य इसमें हम लिखते हैं। फिर लास्ट में संक्षिप्त हस्ताक्षर। पुनश्चय में जो भी समाचार लिखा गया है उसके नीचे उस प्रमाणित करने के लिए पत्र के लेखक को संक्षिप्त हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए। मतलब जो हमने पुनश्चय शब्द लिखा है उसके अंदर जो हमने वाक्य लिखा है उस वाक्य को प्रमाणित करने के लिए जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है उसके हस्ताक्षर होने जरूरी है, अन्यथा लिखा हुआ प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो जो शब्द हमने लास्ट का सेंटेंस पुनश्चय में लिखा है वो तभी प्रमाणित माना जाएगा जब उसके हस्ताक्षर होंगे। अगर वो हस्ताक्षर नहीं है तो वो वैलिड या प्रमाणित नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम व्यापारिक पत्रों के विभिन्न रूप। आपने पहले भी पढ़े होंगे कि व्यापारिक पत्र हमारे अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ पूछताछ के पत्र, निरख पत्र, सरकारी पत्र, शिकायती पत्र, आदेश पत्र के बारे में। परंतु यहाँ पर इसके हमारे विभिन्न रूप हैं कि व्यापारी पत्रों के विभिन्न रूप इस प्रकार थे कि पूछताछ पत्र, निरख पत्र, आदेश या माल प्राप्ति के स्वीकृत पत्र भी हम इसे कह सकते हैं, दोषयुक्त माल प्राप्ति के संबंध में शिकायती पत्र या दावा संबंधी पत्र, संदर्भ संबंधी पत्र या वे उनके उत्तर, भुगतान प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जाता है या अनुगमन पत्र, परिपत्र अथवा गश्ती पत्र, परिचय पत्र एवं साख पत्र, एजेंसी के लिए पत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र और अन्य पत्र। ये इस प्रकार से हमारे अनेक प्रकार के पत्र व्यापार के अंतर्गत लिखे जाते हैं। पूछताछ का पत्र, अगर हमें किसी व्यापारी से किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें पूछताछ पत्र लिखना पड़ता है। पूछताछ के पत्र के उत्तर में जिससे हमने जानकारी प्राप्त की है वो व्यापारी उसका उत्तर देता है तो उसे हम निरख पत्र के रूप में लिखते हैं। अगर हमारे माल के संबंध में कोई शिकायत है तो उसके संबंध में हमें शिकायती पत्र लिखना पड़ता है। अगर हमने दावा बीमा कंपनी वगैरह के संबंध में अगर हमारा माल कोई नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसके संबंध में हम बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखते हैं।
फिर संदर्भ संबंधी पत्र कि अगर किसी व्यक्ति का संदर्भ देना हो, दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हमें संदर्भ संबंधी पत्र को लिखना पड़ता है, उसका उत्तर देना पड़ता है। भुगतान प्राप्त करने के लिए पत्र, कुछ पत्र हमें भुगतान प्राप्त करने के लिए भी लिखने पड़ते हैं, जिसे हम तकादे पत्र भी कहते हैं। उसके अंतर्गत हम व्यक्ति को तकादा करना पड़ता है, उसके लिए पत्र लिखता है वह, जिससे उसका भुगतान आसानी से जल्दी से प्राप्त हो सके। अनुगमन पत्र भी लिखे जाते हैं, परिपत्र अथवा गस्ती पत्र लिखे जाते हैं। एक जैसे पत्र को अनेक व्यक्ति के पास भेजना जो पढ़ते हैं, उन्हें हम गस्ती पत्र कहते हैं। परिचय पत्र एवं साख पत्र कि व्यक्ति को अपना परिचय देने के लिए भी परिचय पत्र लिखा जाता है, साख पत्र लिखा जाता है। एजेंसी के लिए पत्र, अगर हमें कोई एजेंसी लेनी है तो उसके संबंध में हम एजेंसी के संबंध में हम पत्र लिखते हैं, एजेंसी लेने के लिए पत्र लिखते हैं। बैंक संबंधी पत्र, ये बैंकों के ऊपर के लिए लिखा जाता है, इसमें हम व्यापारी या ग्राहक बैंकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक संबंधी पत्रों का प्रयोग करता है। बीमा संबंधी प्रयोग पत्र, ग्राहक या व्यापारी वर्ग बीमा संबंधी पत्र व्यापार बीमा कंपनियों को लिखते हैं। पूछताछ के पत्र, जब कोई एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से कुछ माल क्रय करना चाहता है, तब वह माल को क्रय करने से पूर्व माल की किस्म, मात्रा, मूल्य, उपलब्धता, कटौती की दर, साख की अवधि, भुगतान की शर्तें आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पत्र व्यवहार किए जाते हैं, तो इस प्रकार के पत्र को पूछताछ के पत्र कहते हैं। पूछताछ पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार से है। पहला है वस्तु की मात्रा, जब माल को वर्तमान या निकट भविष्य के लिए मंगवाया जाता है तो उसकी मात्रा संकेत पत्र लिखते समय बता देनी चाहिए, हमें कितनी मात्रा में कौन सा माल मंगाना है उसका संकेत देते हुए बतानी चाहिए उस पत्र के अंतर्गत। नमूना मंगाना, यदि व्यापारी को आवश्यकता हो तो वह माल के मूल्य के साथ उस वस्तु का नमूना भी मंगवा सकता है, अगर उसे आवश्यकता है तो वो नमूने के लिए भी उसमें लिख सकता है कि इसका थोड़ा सा नमूना हमारे पास सैंपल के रूप में भेज दीजिए। पत्र के मूल्य व बिक्री की शर्तों की मांग, व्यापारी द्वारा पत्र लिखते समय पत्र में माल के न्यूनतम मूल्य, कमीशन की दर व भुगतान की शर्तों के बारे में जानकारी अवश्य मंगा लेनी चाहिए, कि पहले ही पत्र में खुलवा लेना चाहिए कि हमारी उनकी शर्तें क्या हैं, क्या इस दर से वे माल हमारे पास भेजेंगे, वे भुगतान किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जानकारी हमें पहले ही इस पत्र के माध्यम से मंगा लेनी चाहिए। फिर विशिष्ट उद्देश्य का उल्लेख, व्यापारी द्वारा यदि माल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए खरीदा जा रहा है तो उसकी जानकारी भी पत्र में दे देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारा पूछताछ का पत्र, ओम प्रकाश प्रेम प्रकाश जो फर्म का नाम है हमारा, कपड़े के वे व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी, पता दे रखा है उन्होंने, सदर बाजार बदायूं, दिनांक 16 फरवरी 2011, टेलीफोन नंबर 2724742, अत्यार व्यापारी जो उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा अपना, संदर्भ संख्या दे रखी है 5527922011। किसे पत्र लिखा हमने, सर्वश्री रमेश चंद हरेश चंद, कपड़े के आड़तियों, निकट बस अड्डा कासगंज, तो बदायूं से पत्र लिखा गया है कासगंज के लिए। विषय माल के संबंध में पूछताछ, प्रिय महोदय आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम बदायूं के मुख्य बाजार में कपड़े का फुटकर व्यापार पिछले 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, अब हम इस व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं, कृपया निम्न वस्तुओं की उपलब्धता, उनके न्यूनतम मूल्य, व्यापारिक शर्तें, डिलीवरी का समय व भुगतान की पद्धति आदि के संबंध में लिखने का कष्ट करें, जिसके ब्यौरा जो सामान हमने मंगाना है उसका ब्यौरा इस प्रकार से है। फिर पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में भविद्य वास्ते ओम प्रकाश प्रेम प्रकाश ओम प्रकाश साझेदार, क्योंकि साझेदारी इसलिए लिखा है क्योंकि दो व्यक्तियों ने मिलकर ये फर्म खोल रखी है, ओम प्रकाश और प्रेम प्रकाश दो पार्टनर हैं, तो इसलिए लास्ट में साझेदारी शब्द का प्रयोग किया गया। अगला पत्र है हमारा निरख पत्र, पूछताछ के पत्र के बाद जो पत्र लिखा जाता है उसे निरख पत्र कहते हैं। निरख पत्र की स्वीकृति पत्र भी माना जाता है। निरख पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं, स्पष्टता एवं पूर्णता, व्यापारी के द्वारा जो निरख पत्र लिखा जा रहा है
उसमें वस्तु का मूल्य, व्यापार की शर्तें, वस्तु की मात्रा, किस्म, पैकिंग आदि के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विनम्रता, व्यापारी द्वारा लिखे जाने वाले निरख पत्र की भाषा सरल व विनोद होनी चाहिए, जिससे ग्राहक पर उचित प्रभाव डाला जा सके। सावधानी पूर्वक लिखना, निरख पत्र लिखने में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे पत्रों में वस्तु की मात्रा, मूल्य व शर्तों का उल्लेख कर देने चाहिए, जिससे ग्राहक को असुविधा न हो। जो पत्र हमने पूछताछ के संबंध में पहले लिखा था, उसके उत्तर में निरख पत्र लिखा गया है कि रमेश चंद हरेश चंद कपड़े के आड़ती निकट बस अड्डा कासगंज, दिनांक 28 फरवरी 2011, टेलीफोन नंबर 2343930, तार ललित जो रजिस्टर्ड है, संदर्भ संख्या दे रखी है 379/2011, सर्वश्री ओम प्रकाश प्रेम प्रकाश कपड़े के व्यापारी सदर बाजार बदायूं। पूछताछ के पत्र का उत्तर, जो पूछताछ का पत्र पूछा गया था उसके संबंध में ये उत्तर है कि प्रिय महोदय, आपके पत्र संख्या नंबर 2792/2011 दिनांक 16 फरवरी 2011 के संदर्भ में आपने जिस माल के संबंध में जानकारी चाहिए है वो इस प्रकार से है, जिसके विवरण हमने दे रखा है कि कौन सी चीज़ कितने रुपये प्रति थान या प्रति मीटर के हिसाब से है, वो उसका वर्णन दे रखा है। इसमें हम आपको उपयुक्त माल पर 10% की छूट देंगे तथा माल का आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर माल आर्यावर्त ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज देंगे। आदेश के साथ 1000 रुपये अग्रिम राशि अवश्य भेजें। बिल्टी बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजी जाएगी। पैकिंग खर्च हमारा होगा। आशा है आप अपना बहुमूल्य आदेश भेजकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। भविद्य वास्ते रमेश चंद हर्षचंद मनोज गुप्ता विक्रय व्यवस्थापक। इस अध्याय में आज हमने क्या सीखा? इस अध्याय में हमने सीखा है एक अच्छे व्यापारिक पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो इसके 14 पॉइंट बताए थे, 14 अंग बताए थे, उनका वर्णन इसमें बताया गया। हमने व्यापारिक पत्र का प्रारूप, व्यापारिक पत्र का एक नमूना दे रखा था आपको मैंने, व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंगों का वर्णन, उन अंगों का जितने 14 पॉइंट थे हमारे, उन 14 के 14 अंगों का वर्णन किया गया इस पत्र इसमें। पूछताछ पत्र का अर्थ एवं लिखते समय ध्यान योग्य बातें, ये हमने इसके अंदर सीखा। पूछताछ का प्रारूप, कि पूछताछ का पत्र का प्रारूप जो दे रखा था उदाहरण के रूप में, वो निरख पत्र का अर्थ एवं लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी थी, ये इसके अंदर बताया गया है। निरख पत्र का प्रारूप, फिर उस पूछताछ पत्र का उत्तर जो हमने दिया है निरख पत्र के रूप में, वो इसमें वर्णन किया गया है। गृह कार्य, पहला एक प्रश्न हमारा, व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। इसके अंतर्गत आप जितने भी व्यापारिक पत्र के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे शीर्षक है, पता है, तार, टेलीफोन नंबर, संदर्भ संख्या, दिनांक, पता जिसके पाने वाले का नाम, जिसके नाम से लिखा गया है वो पत्र, उसके बाद अभिवादन, विषय, जो पात्र का मुख्य भाग है हमारा, उसमें वर्णित हमें जो करना है, जो चीज़ें हमने पूछी गई है उसका वर्णन करते हुए, लास्ट में हस्ताक्षर दाई ओर करते हैं, और पुनश्चय या संलग्न आदि का उनमें वर्णन किया जाएगा। इसमें है व्यापारिक पत्र का एक प्रारूप बनाइए। तो व्यापारिक पत्र का प्रारूप, इसके अंदर भी जो 14 पॉइंट है उससे संबंधित एक प्रारूप तैयार करना है आपको, उसका उसमें वर्णन करना है कि उसके अंदर आपको शीर्षक भी लिखना है कि वो किस फर्म का है, वो क्या कार्य कर रहा है, संक्षिप्त में उसका वो लिखना है, फिर उसका दाई और पता लिखना है, दिनांक लिखनी है, कौन से तारीख को लिखा गया वह पत्र है, दूसरी साइड टेलीफोन नंबर, तार का पता, संदर्भ संख्या का उसमें वर्णन करना है आपको, फिर पाने वाले का नाम व पता डालना है, उसमें किस व्यक्ति को हमने पत्र लिखा है उसके बारे में होना चाहिए, और किस विषय से संबंधित है, फिर विषय लिखना है हमें कि वो पूछताछ से संबंधित है या शिकायती पत्र है या आदेश पत्र है, तो उसका वर्णन करना है वहाँ पर। फिर अभिवादन शब्द का प्रयोग करते हुए या प्रिय, महोदय, आदरणीय आदि शब्द का प्रयोग करते हुए, फिर मुख्य भाग को जो पत्र में आपने लिखना है उसका वर्णन करना है आपको, उसके बाद आपको जिसने वो पत्र लिखा है बाई और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए संचित रूप में, फिर दूसरी दाई और जिसने पत्र जिसने लिखा है उसका वर्णन, उसके हस्ताक्षर, फर्म आदि है तो, फिर संलग्न अगर हमने उसके साथ कोई चीज़ भेजी है, जैसे चेक भेजा है तो चेक की संख्या,
कितने रुपए का है, किस तारीख का है, कौन से बैंक का है, उसका वर्णन या मूल्य सूची भेजी है तो उसकी संख्या आपको उसके साथ लिखनी है। और उसके लास्ट में पुनिश्चय, अगर कोई पुनिश्चय कोई चीज़ हमारा पत्र लिखते हुए छूट गया है उसका वर्णन भी हमें पुनिश्चय शब्द लिखकर उसका वर्णन करना है। और उसके उसके नीचे एक संक्षिप्त हस्ताक्षर भी करने होते हैं कि जिससे जो सेंटेंस हमने लास्ट में जोड़ा है उसको प्रमाणित करने के लिए संक्षिप्त हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। तो ये इस प्रकार से एक प्रारूप आपको पूरा तैयार करना है इसके अंतर्गत। फिर है संलग्न एवं पुनिश्चय से आप क्या समझते हैं, इनका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। इसमें आपको वर्णन करना है संलग्न। संलग्न के अंतर्गत जो भी हम पत्र के साथ नत्थी कर कर अलग से जो चीज़ें भेजते हैं, जैसे मूल्य सूची भेजी हमने, बीजक भेजा या कोई ड्राफ्ट भेजा, तो उसका वर्णन वो कितने रुपए का है, कौन से बैंक का है, ड्राफ्ट है तो किस तारीख का है, उसका बारे में उसमें लिखकर संलग्न सूची में लिख देते हैं कि 1, 2, 3, 4 जितनी भी चीज़ें उसके साथ पत्र के साथ नत्थी की है उसके अंतर्गत हम यहाँ जोड़ते हैं, लिखते हैं। पुनिश्चय, पुनिश्चय से क्या अर्थ है कि जो पत्र में हमारे से कुछ लिखने से रह गया है अंत में पुनिश्चय शब्द लिखकर उसका वर्णन हम उसमें कर देते हैं। जैसे हमने जब उसके व्यक्ति का खाता चेक करा तो हमें पता लगा कि उससे हमें 700 रुपये लेने और हैं, तो उसमें लिख देंगे कि महोदय हमें आपसे आपके खाते के जांचने से पता लगा है कि आपकी ओर हमारे 700 रुपये और निकलते हैं, अतः आप 700 रुपये का चेक या ड्राफ्ट अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें। तो ये पुनिश्चय के अंतर्गत आप इस तरह से लिख सकते हैं आप। फिर इनका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, फिर उनका वर्णन बताने आपको वे कब हम करते हैं और क्यों करते हैं। अगला है पूछताछ के पत्र से आप क्या समझते हैं, इसे लिखते समय आप कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे। पूछताछ पत्र के अंतर्गत आपको लिखना है कि हम पूछताछ का पत्र क्या होता है। पूछताछ के पत्र होता है कि एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी से किसी माल की सूची मंगाने के संबंध में पत्र लिखा हो, या माल के मूल्य या उसकी शर्तें, किस किस्म का है वो माल, गुण है उसमें क्या क्या गुण है, उस सब का वर्णन इसके अंतर्गत हम लिखते हैं, पूछताछ पत्र कहते हैं उसे हम, जो इसके बारे में लिखते हैं। और उसमें हमें लिखते समय हम कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि पूछताछ पत्र बड़े ही सावधानी के पूर्वक हमें लिखना चाहिए, जो मैंने आपको पॉइंट्स इसमें समझाए थे उन पॉइंटों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। निरीक्षक पत्र से क्या आशय है इसे लिखते समय आप कौन कौन सी सावधानियाँ पत्र है। पूछताछ के पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखे जाते हैं वो निरीक्षक पत्र या पूछताछ के उत्तर के पत्र कहलाते हैं। इसे लिखते समय हमें उसका हमें वर्णन करना है कि हम जो ऐसे किसने आपसे आदेश मांगा है, आदेश के लिए पत्र लिखा है, कोई चीज़ मंगाने के लिए पत्र लिखा है, तो उसकी जानकारी देते हुए कि अगर मूल्य सूची मांगी है तो मूल्य सूची का वर्णन करते हुए कि किस वस्तु का मूल्य क्या है उसको लिखते हैं इसके पत्र के अंतर्गत हम, या किसी ने आदेश दिया है तो उससे संबंधित लिखते हैं कि किसी भी पत्र का जो पत्र हमारे पास व्यापारी के पास आए हैं पूछताछ करने के लिए आए हैं उसके संबंध में जो हम उत्तर दे रहे हैं उसका हम निरीक्षक पत्र कहते हैं। इसे लिखते समय आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे, इन्हें लिखते समय हम ये ध्यान रखना है कि हमारी भाषा उत्तर जब देते हैं तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल सके, जिससे वह हमें उचित आदेश वगैरह दे सके। अपने एक क्वेश्चन है और है कि अपने नगर के प्रसिद्ध मेडिकल स्टोर की ओर से दिल्ली के एक प्रसिद्ध औषधि वितरक को पूछताछ का पत्र लिखिए, विवरण तथा नाम अपनी ओर से दीजिए। इसमें आपको अपने नगर के किसी भी प्रसिद्ध जो मेडिकल स्टोर है उसकी ओर से दिल्ली की एक औषधि कंपनी को एक पत्र लिखना है, और उसमें दवाइयों के संबंध में पत्र लिखना है कि कौन कौन सी आपको दवाइयाँ लेनी है, उनका मूल्य मंगाने के संबंध में आप उसमें वर्णन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जो अध्याय आज मैंने आपको व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंग, पूछताछ पत्र और निरीक्षक पत्र के बारे में समझाया है वे आपके समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको घरे कार्य दिया है वे आप अपनी कॉपी पर हल करना है, उन्हें नोट करना है। धन्यवाद।